children, how are you all? I hope you all are fine. So children, you were thinking, where is our Manisha ma'am? बहुत दिनों से उनकी कोई वीडियो ही नहीं देखी. So Manisha ma'am thought, let's make a video for you all. But in this video, I'm not going to teach you anything, okay? So we will play something in this video, okay? I have a game for you, okay? And what is the game? So children, the game is all about actions, okay? क्या गेम है? हम क्या करने वाले हैं? मनीषा मैम विल गिव यू अ वर्ड एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट वर्ड. ठीक है, जो मैम बोलेंगी यू हैव टू डू दैट, फाइन. बट मैम उसको बोलेंगी नहीं, ओके? व्हाट विल मैम डू? मैम विल राइट दैट वर्ड. मैम उसको राइट करेंगी ऑन द बोर्ड. यू विल रीड दैट वर्ड एंड देन यू हैव टू डू दैट एक्टिविटी, ओके? सो द फर्स्ट इज द एक्शन दैट यू हैव टू डू इज जे यू एम पी. इट्स जंप. जे यू एम पी चिल्ड्रन, जंप. सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जंप. वेरी गुड. नाउ दिस इज सेकेंड एक्टिविटी फॉर यू, सी एल ए पी. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू क्लैप. सो चिल्ड्रन, क्लैप योर हैंड्स. वेरी नाइस. नाउ थर्ड एक्टिविटी फॉर यू, यू हैव टू स्लीप. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू स्लीप. आपको क्या करना है? स्लीप, फाइन. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर यू, यू हैव टू रन. अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? रन. पर रन करके बाहर नहीं चले जाएंगे. हम रन कहाँ करेंगे? जहां पर आप खड़े हुए हैं, अपने ही प्लेस पे खड़े होके रन, ओके? तो अभी आपने क्या क्या किया? जंप किया, देन क्लैप किया, देन स्लीप किया एंड देन रन. चलो व्हाट नेक्स्ट? यू हैव टू ईट. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रिटेंड एज इफ यू आर ईटिंग समथिंग, ओके? लाइक दिस, यू आर ईटिंग, ओके? नाउ व्हाट नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर यू, यू हैव टू राइट. यू हैव टू राइट इन द एयर, ओके? हाउ? एयर में कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इन द एयर लाइक दिस. एल एम ओ, ओके? सो यू हैव टू राइट इन द एयर. जीरो, वन, फाइन. नाउ व्हाट एक्टिविटी फॉर यू नेक्स्ट? यू हैव टू एल ए यू जी एच. यू हैव टू लाफ. क्या करना है अब आपको? लाफ. हा हा. यू हैव टू लाफ. नाउ यू हैव टू क्राई. क्या करना है अब आपको? क्राई, ओके? सो व्हाट नेक्स्ट? यू हैव टू स्माइल. अब आपको क्या करना है? स्माइल, ओके? नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज नेक्स्ट एक्शन फॉर यू इज एस आई एन जी. नाउ यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. क्या एक्शन करना है आपको? यू हैव टू सिंग. यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग और अ राइम, एनीथिंग, ओके? सिंग. नाउ नेक्स्ट इज लिसन. आई लिसन, फाइन. लिसन मीनिंग सुनना. सो एवरी वन लिसन. लिसन व्हाट मैम सेइंग, लिसन व्हाट योर मम्मी इज सेइंग, ओके? सो लिसन. एंड नाउ व्हाट एक्शन? आई थिंक आई शुड गिव अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड दिस इज क्वाइट. यस, इट इज डिफिकल्ट ना. यू हैव टू बी क्वाइट. नाउ यू हैव टू बी क्वाइट. क्वाइट मीनिंग चुप होना,
ओके वेरी डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है ना जब कोई बोलता है कि चुप होके बैठो, है ना. ओके सो चिल्ड्रन वी हैव डन सो मैनी एक्टिविटीज. व्हाट वी डिड, फर्स्ट वी जंप्ड, देन वी क्लैप, देन वी स्लीप, देन रन, देन ईट, देन राइट, देन लाफ, cry, smile, sing, listen, and then quiet. So children, हमने इतनी सारी activities की, now we are feeling tired. क्या हम tired feel कर रहे हैं? No. हम क्यों tired feel नहीं कर रहे हैं? Because ये जो सारी activities हमने की हैं, ये सारी activities general activities हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में या डे पूरे दिन में मेनी टाइम्स करते हैं. ओके तो हम इन एक्टिविटीज से टायर्ड नहीं होते हैं, बट यू नो दीज ऑल वर्ड्स, ये जंप, रन, लाफ, सिंग, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. ये सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स, क्योंकि इससे इन वर्ड्स से हम कुछ एक्शन करते हैं, है ना. जैसे मैम ने बोला जंप, आपने क्या एक्शन किया? जंप करना. देन मैम सेड क्राई, आपने क्या किया? कौन सा एक्शन किया? क्राई करने का एक्शन किया. तो ये जो एक्शंस, एक्शन वर्ड्स जिनसे हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्शन करते हैं परफॉर्म, उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स. ओके सो इन आवर क्लास एक्शन वर्ड्स का जो नेम है वो थोड़ा सा इजी है. और ये इजी नेम क्या है? हम इन वर्ड्स को बोल सकते हैं डूइंग वर्ड्स. हम इन वर्ड्स को डूइंग वर्ड्स बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? डूइंग वर्ड्स. क्यों डूइंग वर्ड्स बोल सकते हैं? क्योंकि हम इस वर्ड से कुछ करते हैं, ठीक है, जैसे जंप करना, ईट करना, स्माइल करना एंड सो ऑन. ओके चिल्ड्रन, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. फाइन. ओके आई गिव यू वन एग्जाम्पल. आई डैश आइसक्रीम. नाउ चिल्ड्रन टेल मी वॉट एक्शन वी यू डू विद आइसक्रीम. आई डैश आइसक्रीम, आप आइसक्रीम के साथ क्या एक्शन कर सकते हो? जंप? नो. रन? नो. Eat? Yes. So, we can fill eat here. Okay? I eat ice cream. Fine? Very good. Now, second example see. Teacher dash. Teacher kya kar rahi hai? Any action you can write here. Teacher teach or teacher writes. Okay? Teacher kya kar rahi hai yahan par? राइट यानी लिख रही है. ओके सो वी कैन यूज डूइंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस लाइक दिस. नाउ चिल्ड्रन आई एम ऑल्सो गिविंग यू सम वर्कशीट ऑफ डूइंग वर्ड्स. व्हाट यू हैव टू डू इन द वर्कशीट, यू हैव टू रीड द वर्ड्स डूइंग वर्ड्स एंड यू हैव टू मैच विद द करेक्ट पिक्चर. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन डू इट योर सेल्फ. If you are not able to understand, watch the video again and then do the worksheet again. Okay, I hope you will understand the chapter topic of grammar very well. Thank you so much.